अगर मेरे बारे में ना सही तो कम से कम अपने बारे में सोच लो। तुम ऐसे सारा दिन इस घोंसले में पड़े रहते हो, ना तो अंडों का ही ख्याल रखते हो और ना ही दाना लेकर आते हो। आखिर मैं क्या करूं? अपने आने वाले बच्चों का ही ख्याल कर लो। रानू चिड़िया की हर वक्त बस अपने पति से इसी बात के लिए लड़ाई होती रहती थी, लेकिन उसका पति उसकी एक भी बातों पर गौर भी नहीं देता था। मैं अभी जवान हूँ, मुझे किसी भी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। और हर वक्त तुम मुझ पर ऐसे चिल्लाती क्यों रहती हो? मुझसे नहीं होते ये काम आम। देखना, एक दिन तुम इसी वक्त के लिए पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब ये बच्ची हमारा सहयोग बनते हैं। मैंने तुम्हारी वजह से पहले दो अंडों को खो दिया है। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सिर्फ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आए करूंगी। तुम्हें अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी। मैं सिर्फ अपने बच्चों का ही ख्याल रखूंगी। रानू चिड़िया अपने लिए भोजन भी लाती और अपने अंडों का ख्याल भी रखती, लेकिन उसका पति आकाश चिड़ा कुछ भी नहीं करता। समय करीब आ गया है। अब कुछ ही दिनों में हमारे अंडों से बच्चे भी बाहर आ जाएंगे, इसलिए इन्हें गर्माइश की बहुत जरूरत है। आप मेरी बात मान लो और आप भोजन के लिए चले जाए करो। अपने परिवार का ख्याल करो। लेकिन रानू चिड़िया का पति भोजन की तलाश में जाता भी तो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके घर वापस लौट आता। पति जी, मेरे लिए लाए हो कुछ? नहीं, आज तो मुझे भी बस कुछ ही दाने मिले थे जो मैंने खा लिए, लेकिन अभी भी मेरा पेट भी खाली है। चिड़िया बेचारी सुबह से अंडों पर बैठी हुई थी और वो इस इंतजार में थी कि उसका पति आएगा तो कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगा, लेकिन उसका पति तो खाली हाथ घर लौट आता है। मुझे कुछ करना होगा। मुझे अपने बच्चों के लिए खुद को जिंदा रखना होगा। बेचारी रानू भूख से मर रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं अगर भूख से मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? क्यों ना मैं कव्वे भैया से मदद मांगूं? फिर मीनू चिड़िया पास ही कौवे के घोंसले में आती है। कालू भैया, आप तो जानते ही हो कि मेरा पति कोई भी काम नहीं करता और भोजन भी नहीं लेकर आता। मेरे अंडों से मेरे बच्चे भी बाहर आने वाले हैं, इसलिए मैं बाहर भी नहीं जा सकती। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि बस कुछ दिनों तक मेरे लिए भी भोजन ले आया करो। अगर जिंदगी रही तो मैं आपका ये एहसान भी चुका दूंगी। तुम चिंता मत करो, मुझे अब जो भी भोजन मिले करेगा मैं उसमें से थोड़ा भोजन तुम्हारे घोंसले में भी दे आया करूंगा। अभी तुम ये कुछ गेहूं के दाने ले जाओ, इन्हें खा लेना, इनसे तुम्हें थोड़ी ताकत मिल जाएगी। कालू भैया, आपका धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। फिर रानू चिड़िया वो गेहूं के दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। कहाँ से आई हो और ये गेहूं के दाने कहाँ से लाई हो? मुझे भी दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। शर्म करो, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है और तुम क्या मुझे मारना चाहते हो भूख से? रानू चिड़िया ने अभी एक दो दाने खाए थे कि उसका पति उससे वो पूरा भोजन छीन कर खा जाता है। ये घोंसला मेरा है और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सबसे पहले तुम्हें मुझे भोजन देना होगा, और फिर बाद में बचेगा वो तुम खाओगी। अगर नहीं ऐसा करोगी तो अभी की अभी निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब कहते हुए? अरे तुम बाप हो इन बच्चों के। देखना, तुम्हें ये बातें याद आएंगी। जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं रहेगी तब तुम ये सारी बातें याद करोगे। ज्यादा भाषण मत दो, जब समय आएगा तब देख लेंगे। फिर ऐसे ही दिनों रात गुजरते जाते हैं। रानू का पड़ोसी कालू कौबा रोजाना रानू को थोड़ा भोजन दे जाता है, जिसमें से उसका पति सबसे ज्यादा पहली खा लेता है, और फिर जो बचता उसे खाकर रानू अपना गुजारा करती है। और फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जब रानू चिड़िया के अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। निकल आए मेरे अंडों से मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकल आए। देखो तो कितने प्यारे हैं मेरे दोनों बच्चे। रानू चिड़िया बहुत खुश थी, लेकिन शाम को ही उसके पति ने उससे लड़ाई कर दी। मुझे भूख लगी है, चलो जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मुझे नहीं पता कि भोजन कहाँ मिलता है, जल्दी जाओ।
मेरे बच्चों का आज पहला दिन है, मैं इन्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? रानू, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो निकलो मेरे घोंसले से। मुझ पर दया करो और अपने इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखो, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता कि तुम कहाँ जाओगी, निकलो अभी की अभी यहाँ से, ये मेरा आखिरी फैसला है। फिर रानू चिड़िया का पति रानू को घर से निकाल देता है और रानू बेचारी अपने दोनों बच्चों को अपने सर पे बिठाए उड़े जा रही थी और वो उड़ते उड़ते काफी दूर पहुंच जाती है। उसे भी कुछ नहीं पता था कि वो कहां जा रही है कि तभी उसे सामने एक पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें वो अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है। फिर रानू चिड़िया बहुत ही मेहनत से अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। ऐसे ही समय बीतता गया और रानू के दोनों बच्चे बड़े हो गए। मम्मा मम्मा, आप कितना काम करती हो और हमारे लिए कितनी मेहनत से भोजन लाती हो, हम भी आपके साथ अब आपकी मदद किया करेंगे। क्यों नहीं बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप का सहयोग बनते हैं। लेकिन मम्मा, हमारे पापा कहाँ हैं? बस बेटा, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे बाप ने मुझे, तुम जब एक दिन के थे तभी मुझे घर से निकाल दिया था, तब मैं तुम्हें किसी तरह यहाँ लेकर आई। लेकिन मम्मा प्लीज, हमें एक बार वो घर दिखा लाओ ना जहाँ हम पैदा हुए थे। ठीक है बच्चों, जब तुम दोनों जिद करते हो तो हम आज उसी तरफ चले जाते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पुराने घर की तरफ जाती है और जल्द ही वो वहाँ पहुँच जाती है। वो देखो, वो है सामने पेड़ पर तुम्हारा घोंसला, जाओ जाकर देख आओ। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, तुम जल्दी आ जाना। फिर रानू चिड़िया के दोनों बच्चे वहाँ आते हैं। जब वो वहाँ घोंसले में एक बीमार पक्षी को देखते हैं तो डर जाते हैं। कौन हो तुम? हमारी मम्मा का नाम रानू है। तो तुम रानू के बच्चे हो? हाँ, हम आए थे अपना वो घोंसला देखने जहाँ हम पैदा हुए थे। तुम कौन हो इधर? क्या तुम अपनी मम्मा को कुछ देर के लिए यहाँ बुला सकते हो? मुझसे तो अब उड़ा भी नहीं जाता और मेरे पंख भी बीमार हो गए हैं। बच्चों के वापस न आने पर मम्मा चिड़िया रानू भी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर तो रानू का पति रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो रानू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुर्म किया है। लेकिन अब तुम ये जान लो कि मेरे पास बहुत खुशियां हैं, मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे मम्मा कहकर पुकारते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इन खामोशी के सिवाय और कुछ नहीं है। याद करो वो समय जब बस बस कर जाओ रानू, बस मुझे सब याद है, बस तुम मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। याद करो उस रात को जब तुमने मेरे मासूम बच्चों के साथ मुझे घर से निकाल दिया था। वो तो मेरी नेकी थी, वरना मैं भी उसी रात अपने बच्चों के साथ मर जाती। मैंने तुमसे कितनी मिन्नतें भी की थी लेकिन तुम्हें मुझ पर कोई दया नहीं आई। और हाँ, मैं तुम्हें माफ कर भी दूं लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने अपना जीवन तुम्हारे बगैर गुजारा है। मैं कैसे तुम्हें माफ कर दूं? मम्मा चलो यहाँ से, हम आपको दुखी नहीं देख सकते। शायद हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमारी वजह से आपके पुराने दुख भी ताजे हुए। हमें माफ कर दो, हम अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। फिर रानू चिड़िया और उसके दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और आकाश चिड़ा तो उन तीनों को देखता ही रह जाता है। गोरी बहन, आज या कल में हमारे अंडों से हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। और गोरी बहन, मैंने देखा है कि आप अपने अंडे के पास बहुत कम बैठती हो। अब अगर आपने अपने अंडे को गर्माइश ना दी तो आपका अंडा खराब भी हो सकता है। चिड़िया, तुमसे दो बातें क्या हंसकर कर ली, तुम तो मुझे भाषणी देने लगी हो। जाओ और अपना काम करो, मुझे सब पता है। अगर आपको सब पता हो तो आप ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर बाहर आवारा ना घूमती फिरो। मैं तो अपने अंडे को तभी छोड़ती हूँ जब मैं नदी से पानी पीने आती हूँ।
ये कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी को अभी भी अपने घर चली जाती है। तुम इतनी देर से कहाँ थी? जब मैं भोजन लेकर आया था तो हमारा अंडा अकेले था, ऐसे हमारा अंडा खराब हो जाएगा। ये बात तुमसे रानू चिड़िया ने कही होगी। सुनो, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, मुझे पहले से ही पता है। अगर हमारा अंडा खराब हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अंडे पर बैठ जाया करो और भोजन तुम ले आया करो। खाते समय तो मेरे हिस्से का भी खा जाती हो और अंडे पर बैठने के लिए डर रही हो। आकाश जी, मुझे आज सुबह अपने अंडे के अंदर से बच्चे की आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हमारे अंडे में से बच्चा बाहर आने वाला है। जब आप नदी से पानी पीने गई थी तब मुझे भी ऐसा ही लगा था, और मुझे तो ऐसा लगा था कि कोई मुझे पापा पापा कहकर बुला रहा है। बेटा है या बेटी, बहुत शरारती है ये और बहुत तेज है मेरा बच्चा। रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन जब कालू कौवा की आँख खुलती है तो वो देखता है कि गोरी को अभी तो घोंसले में नहीं है और वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। ये गोरी तो आज सुबह सुबह ही अंडे को अकेला छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई है, जबकि मैंने कल उसे समझाया भी था कि हमारा अंडा खराब हो जाएगा। ना जाने क्यों नहीं ये अपने अंडे का ख्याल रखती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकता हूँ। फिर वो ऐसे दोपहर तक अंडे के पास बैठा रहता है और उसे पानी पीने भी जाना था। अगर मुझे पता होता गोरी कि तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही ना करता। फिर दूर से उसे रानू चिड़िया का पति आकाश चिड़ा आता हुआ दिखाई देता है। तब कालू उसे आवाज देता है। क्या हुआ कालू जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? यार, आज मेरी पत्नी गोरी सुबह से ही कहीं घूमने चली गई है और अब तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत प्यास भी लगी है, क्या आप गोरी को ढूंढकर ला सकते हो? मैं रानू के लिए नदी से पानी लेने जा रहा हूँ, हमारे घर में भी अंडा है। आए से मेरी पत्नी ने तो नदी पर जाना भी बंद कर दिया है, और एक आपकी पत्नी है कि उसे तो कोई परवाही नहीं है। वो मेरी एक नहीं सुनती। अच्छा, अभी मैं पहले अपनी पत्नी को नदी से पानी दे आऊं, फिर मैं देखता हूं अगर गोरी मिल जाए तो। फिर वो वहां से चला जाता है। रानू, आप ये पानी ले और मैं गोरी को ढूंढने जा रहा हूं। क्या क्या गोरी कहीं खो गई है? मुझे रास्ते में कालू मिला था, वो सुबह से अपने अंडे के पास बैठा हुआ है और गोरी पता नहीं कहाँ चली गई है, इसलिए उसने ही मुझे गोरी को ढूंढकर लाने को कहा है। वो तो ऐसी ही बेशरम है, वो कभी अपने अंडे के पास नहीं बैठती। आप पहाड़ों की तरफ जाकर देखे, मुझे पूरा विश्वास है वो कबूतर और तोते के साथ छिपन छिपाई खेल रही होगी। फिर रानू चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है। एक दो तीन चार पाँच में आ गई, सब छिप जाओ। गोरी, तुम थोड़ी शर्म करो, तुम यहाँ बच्चों की तरह खेल रही हो और वो कालू बेचारा प्यास से मर रहा है। जाओ जाकर अपने अंडे पर बैठो, वो कालू तुम्हें बुला रहा है। तभी कबूतर और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। हमने तो इनसे कई बार कहा कि गोरी बहन आप अपने घर जाओ और अपने अंडे पर बैठो, पर इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तुम सब पापा पच्ची बहुत बुरे हो, क्या अंडे पर मम्मा ही बैठती है, पापा पच्ची नहीं बैठ सकते हैं? गोरी बहन, हम पापा पच्चियों को परिवार के लिए भोजन लेकर जाना पड़ता है और मम्मा चिड़िया ही अंडों पर बैठती है, बरसों से यही रीत चली आ रही है। गोरी, अब अपनी बातें ही ना सुनाती जाओ, अब जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि कालू अपनी बड़ी लाठी लेकर यहाँ भी आ जाए। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। मैं तो तुम्हारे नाम पर ही मर गया था कि गोरी, लेकिन तुम तो नाम की ही गोरी हो लेकिन अंदर से काली हो। अरे अरे, अब क्या हुआ है, मुझे भी तो कुछ बताओ, तुम कौन सा गोरी चिट्टे हो, तुम भी तो काले कौवे ही हो। मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, आओ और अंडे पर बैठ जाओ, मुझे नदी पर पानी पीने जाना है।
फिर कालू कौबा नदी से पानी पीने चला जाता है और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और चिड़िया के अंडे से एक प्यारा सा बेटा निकलता है जिसे देखकर मम्मा और पापा बहुत खुश थे। आ गया मेरा प्यारा सा सुंदर सा बेटा। मम्मा मम्मा मैं आ गया हूँ, आज तो मेरा अंडे में जरा भी मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं जल्दी से अपने मम्मा पापा को देख लूँ। मेरे मम्मा पापा तो बहुत सुंदर हैं। और मेरा कुकू भी बहुत सुंदर है, अंडा तोड़ने में बहुत जोर लगा होगा मेरे कुकू का। नहीं मम्मा नहीं, इतना भी जोर नहीं लगा मेरा। और पापा मैंने तो आपको अंडे से आवाजें भी दी थी, मैं तो उसी दिन बाहर आ जाना चाहता था, परंतु उस दिन तो मैं अंडे को तोड़ ही नहीं सका। देखा रानू, मैना कहता था कि हमारा बच्चा बहुत स्वस्थ होगा और बहुत बुद्धिमान भी। मम्मा मम्मा सॉरी, मुझे सब पता है कि आप मेरे लिए नदी से पानी पीने भी नहीं जाती थीं। अब मेरा बेटा आ गया है ना, अब हम दोनों इकट्ठे नदी पर पानी पीने जाया करेंगे। मम्मा मम्मा और पापा भी, वो तीनों बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ गौरी को भी रो रही थी क्योंकि उसके अंडे से भी बच्चा बाहर आ गया था, परंतु वो बहुत कमजोर था और उसका एक पैर भी टूटा हुआ था। इसी बात का डर था मुझे, अगर तुम अच्छे से अपने बच्चे की रक्षा करती तो हमारा बच्चा भी स्वस्थ होता। कालू जी, मुझे क्या पता था कि हमारा बच्चा अपाहिज पैदा होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने अंडे को छोड़कर कभी नहीं जाती। नहीं मम्मा, आप झूठ बोल रही हो, पापा ने कई बार कहा था आपसे। पापा भोजन लेने गए थे और आप मुझे अकेला छोड़कर नदी पर चली गई थी। पता है उस दिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तभी मेरा ये पैर भी टूट गया। और पापा आपको पता है मुझसे तो अंडा भी नहीं टूट रहा था, बहुत मुश्किल से तोड़ा है मैंने इस अंडे को। कालू जी, अब क्या होगा, क्या अब हमारा बेटा कभी चल नहीं पाएगा? एक पैर से चला है कभी कोई पक्षी? मम्मा आपने मेरे साथ ऐसा किया है, मगर आप फिर कभी अंडा दो तो उसके साथ ऐसा ना करना। मम्मा अपाहिज रहकर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, अब छोटे पक्षी मुझे देखेंगे तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। ऐसे ही रानू चिड़िया वहाँ मिठाई लेकर आ जाती है। कालू भैया, आप मिठाई खाएं, मेरे अंडे से बहुत सुंदर सा मेरा कुकू बेटा बाहर आया है। चिड़िया, क्या बच्चा स्वस्थ है? हाँ गोरी बहन, मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है। अरे ये क्या गोरी बहन, क्या आपके अंडे से भी बच्चा बाहर आ गया है? हाँ चिड़िया, परंतु मेरा बेटा बहुत कमजोर है और उसका एक पैर भी टूटा हुआ है, अब वो कभी चल नहीं सकेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ गोरी बहन, मुझे इसी बात का डर था, बस इसीलिए मैं आपसे हमेशा अपने अंडे पर बैठे रहने के लिए कहती थी। चिड़िया हम तो लुट गए, अब हम कैसे सारी जिंदगी अपने बेटे को अपाहिज देखेंगे। अच्छा अब आप चुप कर जाएं, मैं अभी घर जाकर कुकू के पापा को बताकर वापस आती हूँ, फिर हम आपके बेटे को काले जंगल में बुलबुल के पास लेकर चलते हैं। चिड़िया वहाँ क्या है बुलबुल के पास? बुलबुल के पास एक ऐसा तेल है जिसे बच्चे के पैर पर अच्छे से लगाकर मालिश करने से बच्चे का पैर मजबूत हो जाता है और नया पैर जल्दी आने लगता है। चिड़िया कृपया हमें वहाँ ले जाएं, ये आपकी बड़ी नेकी होगी अगर ऐसा हो गया तो। चिड़िया प्लीज आप मुझे उस बुलबुल के पास ले जाएं, अब मुझे सब समझ में आ गया है कि जो काम मम्मा पच्ची के होते हैं वो मम्मा पच्ची ही करती हैं। अब मैं दोबारा ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। फिर चिड़िया जल्दी से वहाँ से जाती है। क्या शाम तक लौट आओगी रानू? आप कुकू का ध्यान रखना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम शाम तक जल्दी लौट आएं। फिर गोरी कौबी और चिड़िया बुलबुल की तरफ जाती हैं। वो दोनों काफी तेज उड़ रही थीं। रास्ते में गोरी कौबी थक जाती है, तब चिड़िया उसके बेटे को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ती है।
आंटी आप कितनी अच्छी हो, आप मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो, परंतु मम्मा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। फिर वो दोनों बुलबुल के पास पहुंच जाती हैं। आप अपने अंडे पर ठीक से बैठी नहीं है और न ही उसका ख्याल रखा है, जिस वजह से ये अंडा ठीक से सीख नहीं पाया है। और जब इस बच्चे ने अंडे से निकलने की कोशिश की है, तभी इसका ये पैर टूट गया है। बुलबुल दी, आप कुछ करें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने अपने बच्चे की अच्छे से रक्षा नहीं की थी। सुनो, आप ये तेल ले जाओ, इसे सुबह शाम लगाना अपने बेटे के, तो इससे आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। बुलबुल बहन, क्या हमारा बेटा अच्छे से चल भी पाएगा ना? मेरा ये तेल लगाने से आपका बेटा चल भी पाएगा और उड़ भी लेगा, सब कर लेगा। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गोरी कॉबी का बेटा ठीक होने लगता है, जिसे देखकर कालू और गोरी बहुत खुश होते हैं। मैं कहती हूँ कि तू चुपचाप यहाँ से चली जा। अगर तूने मेरे दोनों में से एक भी बच्चे को हाथ लगाया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे छोटी चिड़िया, तू मुझे क्या रोकेगी? रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। ये कहकर चील रानू की माँ पर हमला कर देती है और उस हमले में रानू की माँ की मौत हो जाती है। फिर वो चील रानू चिड़िया का एक बच्चा खा लेती है। वाह, आज तो मुझे मजा ही आ गया इस बच्चे को खाकर। लेकिन मेरा तो एक ही बच्चे को खाकर पेट भर गया। अब मैं कल दोबारा से यहाँ आऊंगी। एक घने जंगल में रानू चिड़िया अपने दोस्त कालू कौवा के साथ रहती थी। उन दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। रानू चिड़िया गर्भवती थी, इसलिए वो ज्यादातर अपने घर में रहती थी और वो ज्यादातर कोई काम भी नहीं करती थी, इसलिए उसका भोजन भी कालू कौवा उसे लाकर देता था। रानू चिड़िया, मेरी माँ की चिट्ठी आई है और वो मुझे अपने पास बुला रही हैं। वो कहना अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा। और तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम अपना अच्छे से ध्यान रखोगी। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। ठीक है कालू भैया, आप आराम से जाइए और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगी। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल चला जाता है और रानू चिड़िया अब बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, इसलिए अब उसे अपना भोजन लेने भी खुद ही जाना पड़ता है। एक दिन जब वो दाना चुगने गई थी, तब एक चील की नज़र उस पर पड़ती है और उसे देखकर तो वो कहती है, अरे वाह, ये चिड़िया तो बड़ी मोटी ताजी है। लगता है कि ये जल्दी अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। फिर तो मैं रोजाना एक एक करके इसके बच्चों को खाया करूंगी। वैसे भी मैं तो ऐसे ही शिकार की तलाश में थी। वैसे भी अगर अभी मैं इस चिड़िया को खा लूंगी तो मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो ये अकेली है। फिर तो इसके दो चार बच्चे भी हो जाएंगे, तब मजा आएगा। फिर तो वो शिकारी चील तब से रानू चिड़िया पर नजर रखने लगती है और हर रोज उसका पीछा करती है। फिर एक दिन तो रानू चिड़िया दो अंडे देती है, तभी उसका पड़ोसी तोता उसके घर आता है और उसे समझाते हुए कहता है, रानू चिड़िया मेरी बात सुनो, तुम अपने अंडों का अच्छे से ध्यान रखना और अपना भी, क्योंकि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि एक शिकारी चील तुम्हारे पीछे पड़ गई है। वो हर रोज तुम्हारा पीछा करती है, और तो और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तो तुम्हारे बच्चों को खाने के चक्कर में है। ये सुनकर तो रानू चिड़िया बेचारी बहुत डर जाती है। क्या तोते भैया ये सच है? अगर तोते भैया वाकई में ये सच है तो मैं अपनी माँ को दूसरे जंगल से अपने पास बुला लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरी माँ मेरे पास रहेंगी तो मैं भी सुरक्षित रह पाऊंगी। और वैसे भी मुझे भोजन लेने तो बाहर जाना ही पड़ता है, और ऐसे में तो मेरे अंडे अकेले रह जाते हैं। हाँ हाँ रानू, ये ठीक है, तुम जल्दी अपनी माँ को अपने पास बुला लो, एक से भले दो। फिर रानू चिड़िया अगले ही दिन अपनी माँ को अपने घर ले आती है और फिर वो अपनी माँ को सारी बात बता देती है। माँ माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो जालिम चील मेरे बच्चों को खा ना जाए।
रानू मेरी बच्ची, तू चिंता क्यों करती है? अब मैं आ गई हूँ ना, तू बिल्कुल भी मत डर। अब मैं तेरा और तेरे अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तू इतनी फिक्र क्यों करती है? और हाँ सुन, तू अपना काम भी अच्छे से कर। ऐसे डर डर कर रहेंगे तो कैसे रह पाएंगे? फिर रानू चिड़िया के अंडे की देखभाल उसकी माँ करती है और रानू भोजन लेने चली जाती है। उसके जाते ही शिकारी चील रानू के घर के बाहर आ जाती है और वो खिड़की से देखती है कि रानू के अंडे की देखभाल तो उसकी माँ कर रही है। अच्छा, तो इस चिड़िया को पता चल गया है कि मैं इस पर नजर रख रही हूँ, इसीलिए इसने अपने अंडों की देखभाल करने के लिए इस बूढ़ी सी चिड़िया को बुला लिया है। लेकिन ये बूढ़ी सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अरे एक बार अंडों में से बच्चों को तो बाहर आने दो, फिर बताती हूँ मैं कि मैं क्या चीज हूँ। फिर उसके बाद शाम को रानू चिड़िया भोजन लेकर वापस आती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ माँ, कहीं मेरे जाने के बाद वो शिकारी चील घर तो नहीं आई थी ना? अरे रानू मेरी बेटी, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू इतनी फिक्र मत कर। अब मैं हूँ ना यहाँ, और वैसे भी मेरे होते हुए वो शिकारी चील यहाँ क्यों आएगी? तू खुद ही सोच। अब तू इतनी चिंता मत कर, नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तेरे अंडों की देखभाल करने के लिए तो मैं पहले से ही यहाँ आ गई हूँ। फिर ऐसे ही दो तीन दिन बीत जाते हैं और रानू चिड़िया के अंडे से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं, जिन्हें देखकर तो रानू और उसकी माँ बहुत खुश होती है। और फिर रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को भोजन खिलाकर भोजन की तलाश में चली जाती है। उसके जाते वो शिकारी चील उसके घर के अंदर आ जाती है। अरे ओ जालिम दुष्ट चील, तू यहाँ कैसे आ गई? चल जल्दी से जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और तू बच्चों से दूर हट, चल दूर हट। अरे बुढ़िया, तू रोकेगी मुझे तू? अरे तूने कभी खुद को आईने में देखा है? रुक, पहले मैं तुझे ही बता देती हूँ, फिर बाद में इन दोनों बच्चों को देखूंगी। तुझे पहले सबक सिखाना है। ये कहकर तो वो शिकारी चिल रानू की माँ पर हमला कर देती है और उस बेचारी को इतना मारती है कि वो बेचारी तो जान से मर जाती है। और फिर उसे मारने के बाद वो रानू चिड़िया के एक बच्चे को मारकर खा जाती है और उसे खाने के बाद कहती है, अरे वाह, ये चिड़िया का बच्चा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, और इस बच्चे को खाने के लिए तो मैं कितने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज मेरी भूख मिट गई और इसे खाकर मुझे बहुत मजा आ गया। वाकई में चिड़िया के बच्चे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरा तो एक में पेट भर गया। अब मैं इस चिड़िया को तो बाद में खाने आऊंगी। ये कहकर वो शिकारी चील वहाँ से चली जाती है। उसके जाती रानू चिड़िया घर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ मरी पड़ी हुई थी और उसका एक बच्चा भी वहाँ खबा हुआ था। ये देख कर वो समझ जाती है कि वो जालिम चीली ये सब कर गई है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी माँ को क्या हो गया? और मेरा तो एक बच्चा भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो जालिम चीली ये सब कर गई होगी। अब मैं अपनी दूसरी बेटी को कैसे बचाऊंगी? वो जालिम चील फिर से आएगी। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो भगवान। फिर उसके बाद अगले दिन रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपनी बेटी की देखभाल कर रही थी कि तभी वहाँ वो शिकारी चील फिर से आ जाती है। उसे देखकर तो रानू डर जाती है। अच्छा, तो आज इस चिड़िया की देखभाल करने के लिए तू यहाँ बैठी है? चलो कोई बात नहीं, आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लगी है, इसलिए मैं इस चिड़िया के साथ साथ तुझे भी मारकर खा जाऊंगी, तब मेरी भूख मिटेगी। चील बहन प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज चील बहन मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हें दया नहीं आती छोटे छोटे बच्चियों को खाते हुए। चील बहन आप मेरी बेटी को मत खाओ, अगर आपको खाना है तो मुझे खा लो, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो। अरे चिड़िया तू चिंता क्यों करती है? मैं तुझे भी खा जाऊंगी, लेकिन पहले मैं तेरी इस बेटी को खाऊंगी क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट है।
फिर बाद में तुझे भी खा जाऊंगी। ये कहकर वो चील रानू की बेटी पर हमला करने वाली थी कि तभी वहाँ कालू कौबा और उसका भाई आ जाता है और वो ये सब देखकर कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी भांजी पर हमला करेगी? रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। ये कहकर कालू कौबा और उसका भाई उस चील पर हमला कर देते हैं। वो दोनों उसे बहुत मारते हैं। तब वो चील अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हर मुसीबत का मिलकर सामना करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू के एक बेटे को किसने खाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।